हेलो फ्रेंड, नीतू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ गाजर का हलवा। इसको मैंने कद्दूकस करके ले लिया। 1 किलो के लगभग हमारी गाजर है और मैंने यहाँ पे 3 से 4 काजू ले लिए, बादाम लिए 3 से 4 और 2 बड़ी इलायची लिए। मैंने इनको खलर में कूच के लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें 2 चम्मच घी डाल लेंगे, देसी घी। इतना ही डालेंगे हम इसमें, तो बाद में डालेंगे घी। और अब इसमें हम डालेंगे गाजर, 1 सुई गाजर डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते ही रहेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हमारे। अब इसका देख सकते हैं पानी सूख गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। अब इसमें दूध डालेंगे, देख सकते हैं 1 लीटर है ये दूध। इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ा अभी डाला था, अब फिर डालेंगे इसमें दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 1 लीटर दूध डाल दिया है। आप इसमें मेवा भी डाल सकते हैं, मावा बोलते हैं, पर इससे बनाएंगे दूध से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसमें क्या हो जाता है कि मेवे की तरह पक के तैयार होता है दूध में, अच्छे से गाजर हमारी पक भी जाती है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हमारे हो गए हैं। इसको देख सकते हैं इस तरीके से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे कि मैंने काजू कूट के लिए थे, ये इसमें डाल देंगे और बादाम भी डाल देंगे। इलायची ली थी 2, इसको भी हम डाल देंगे और इसको हम चला देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें शक्कर या चीनी। मैंने इसमें इतनी चीनी ली है, मैंने इसमें ली है चीनी 150 ग्राम के लगभग। अब इसमें हम ये भी डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको हम चला लेंगे। इसके डालने के बाद हम चलाने के बाद अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। इसमें हमने चीनी डाली थी, देख सकते हैं। ये चीनी डालने से क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है। अब इसको इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे 3 से 4 मिनट तक। ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा इसी में, इसका पानी नहीं सूखता। हम इसको जब तक चलाते जाएंगे इस तरीके से, इसका पानी अब देख सकते हैं इसका पानी सूखने लग गया है। पानी सूख जाएगा, हम चलाते जाएंगे इसको जब तक। इसका कलर भी देख सकते हैं आप, चेंज होते जा रहा है। हमारी थोड़ी गुलाबी गाजर नहीं थी, ये थोड़ी संतरा कलर की थी, इसीलिए हमारा ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। गुलाबी होती तो ये गुलाबी गुलाबी दिखता। देख सकते हैं पानी सूखता जा रहा है, देख सकते हैं हमारा पानी सूख गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से इसमें चमक आ जाती है और टेस्ट भी आता है बहुत अच्छा। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच घी। देख सकते हैं घी डालने से देखिए
चमकने लग गया हमारा हलवा। ये हमारा हलवा बनके तैयार है। आप इस तरीके का जरूर बनाएं, जल्दी से ही बन जाता है, आधे घंटे से पहले से बन ही जाता है। देख सकते हैं हमारा हलवा बनके तैयार है, देखना कितना प्यारा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं तो इसको अभी खा लूं। ये हमारा हलवा बनके तैयार है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।